देखिएगा जरा, आप बताइएगा दस दिन देखिए वो। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फोर ज़्यादा है हम जान बुझ के लाइट कम लग रहा था ना इसलिए कम लग रहा था। अच्छा जी ठीक है दिख जाएगा यहाँ देखिए कह रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा हो गया अपना साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा ठीक है। बी इक्वल टू दिया हुआ है कॉस फाई और साइन फाई और याद दिया हुआ साइन फाई और कॉस फाई। सो हमको कह रहा सो दैट पीडीएफ तो इसे डाल दिए थे जी डाले, लेकिन पीडीएफ आप बनाते कैसे, आपको नहीं ठीक से बन पाता आपसे कैमरा नहीं है ना। अच्छा कैमरा तो उससे नहीं, पीडीएफ आप किससे बनाते हैं, मोबाइल में आता है। अच्छा मोबाइल से बनाते हैं, ऐप से नहीं बनाते हैं, इसीलिए सो दैट ए बी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे इसे हम बना देते हैं आपको वो वाला ऐप कर लीजिएगा ना। अच्छा आप भी करिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर आता है उससे अच्छा पीडीएफ हम बनाते हैं उसी से। गूगल से बनाइए ना, गूगल से गूगल स्कैनर मतलब हम खुद हम उसी से बनाते हैं तो अच्छा बनता है उसमें। देखिए आप दिख रहे हैं सब कुछ, देखिए बॉस ठीक है। देखिए कह रहा है कि इफ ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है तो हमको दिखाना है कि ए बी और बी ए बराबर है, ऐसा दिखाना है कुछ नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए ए बी गुना करिए, देखिए ध्यान से देखिए कॉस थीटा और ये साइन थीटा और यहाँ से हो जाएगा कितना साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, इसका इंटू करिए किसके साथ बी हो गया आपका कितना कॉस फाई साइन फाई और ये है साइन फाई कॉस फाई ठीक है ऐसा दिया। अब क्या करिए दोनों में गुना करते हैं, तो गुना के लिए वही इसका रो लीजिए इसका कॉलम लीजिए तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos फाई तो cos थीटा इंटू cos फाई ठीक है देख रहे हैं जी। प्लस में हो जाएगा ये sin थीटा इंटू sin थीटा इंटू sin फाई बहुत बढ़िया। अब फिर इसका रोल आर टू ले लीजिए तो sin थीटा इंटू cos फाई sin थीटा इंटू में हो जाएगा cos फाई अब प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाइव इंटू साइन फाइव ठीक है। अब इसको गुना करिए, अब इसका ले लीजिए सी टू ले लीजिए। अब देखिए कॉस थीटा ये वाला कॉस थीटा इंटू साइन फाइव तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए इस बात को हम पहले सुधार देते हैं। यहाँ देखिए हम ये लिखे कॉस थीटा इंटू साइन फाइव लिखे तो या इसको हम क्या करते हैं साइन फाइव इंटू कॉस थीटा लिखे एक ही बात है, क्योंकि हमको हो सकता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ जाए उसमें तो इसीलिए पहले लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन फाइव को लिख देते हैं साइन फाई इंटू कॉस थीटा ठीक है। और यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई तो इसको लिख देते हैं कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस में कॉस फाई इंटू साइन थीटा कोई बात नहीं हम सुधार कर लिख दिए हैं कैसे लिख देंगे तो ये देखिए ना साइन इंटू कॉस भी कॉस इंटू साइन भी लिख रहे हैं ऐसा लिखने के लिए। यहाँ देखिए फिर साइन थीटा इंटू साइन फाइव तो इसको तो आप लिख सकते हैं, चलिए साइन फाइव ही लिख देते हैं साइन फाइव इंटू साइन थीटा प्लस और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव तो इसको लिख देते हैं कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अब ये सब निकल गए, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव। देखिए थीटा माइनस फाइव बोले या फाइव माइनस थीटा बोले बात एक ही है जी, कॉस माइनस थीटा भी क्या हो जाता है कॉस थीटा तो चलिए लिख देते हैं अभी थीटा माइनस फाइव ठीक है। और यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी तो यह है साइन ए प्लस बी तो थीटा प्लस फाइव ठीक है। और इसको देखिएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी ये भी है साइन फाइव प्लस थीटा या थीटा प्लस फाइव बोल देते हैं
ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक जैसा दिखे। यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये है कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम थीटा माइनस फाइव लिखे थे, इसको भी लिख देते थीटा माइनस फाइव। या फाइव कॉस में देखिए, कॉस में हम साइन, सॉरी यहाँ देखिए, कॉस में हम थीटा माइनस फाइव लिखे, या हम इसी बात को हम ऐसे लिख दे, माइनस कॉमन लेके फाइव माइनस थीटा लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा हो जाता है, फाइव माइनस थीटा ही हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये सब बराबर ही होता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते, चूंकि यहाँ पे थीटा माइनस फाइव है, तो इसको भी लिख देते कॉस थीटा माइनस फाइव, ये बन गया। और ये मान आया किसका? ए बी निकल गया। क्या निकल गया? ए बी, ए बी, इसको मान लीजिए वन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? बी ए निकालना है, तो बी आप निकाल लीजिएगा, हम निकाल लें, तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा था? दिक्कत यही गुना करने में गई, तो ये ए भी निकल गया, बी ए निकालना है, चलिए हम निकाल ही देते, बी ए में कोई ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, चलिए बोलते जाइएगा, आप बताइएगा, हम लिखते हैं जल्दी। कॉस फाइव, कॉस फाइव, साइन फाइव, साइन फाइव, साइन फाइव, साइन फाइव, कॉस फाइव, कॉस फाइव, ठीक है। और इंटू में कर दीजिएगा कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ देखें अब बी ए का गुना करते हैं, देखिए cos a into cos theta, हाँ तो cos phi into cos theta, cos theta, sin plus sin phi into sin theta, sin theta, और फिर क्या करिए, इसका गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा sin phi into cos theta, sin phi into cos theta, अब प्लस में हो जाएगा cos phi into sin theta, फिर यहाँ बोलिए cos phi into sin theta, इसको बोल देते हैं sin theta into cos phi, जी प्लस, और बोलिए sin theta into cos theta, इसको बोल देते हैं cos theta into sin phi, sin phi, अब यहां बोल देते हैं sin phi into sin phi sin theta, sin theta, इसमें कोई दिक्कत नहीं, sin phi into sin theta, sin theta, अब प्लस में बोल देते हैं cos phi into cos theta, cos theta, बस देखिए आ गया है, बराबर ही है, देखिए यहाँ तो बी ए आ गया, अब यहाँ देखिए तो ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी, साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस, हाँ तो इसको बोल सकते हैं कॉस, और क्योंकि यहाँ पे देखिए हम थीटा माइनस फाइव लिखे हैं, तो इसको भी हम थीटा माइनस फाइव ही लिख देते हैं, ठीक है ना, ए माइनस बी लिखेगा तो, या पहले आप चाहते इसको भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं थीटा माइनस फाइव, ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम थीटा माइनस फाइव लिखे इसलिए, आप चाहे तो फाइव माइनस थीटा भी लिखेगा, लेकिन फिर फाइव माइनस थीटा को माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस भी, कॉस ए इंटू साइन भी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो थीटा प्लस फाइव, और यहाँ लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो चलिए हम सुधार ही देते, चलिए थीटा इसको लिख दीजिए, इसको फाइव लिख दीजिए, अब ठीक है, नहीं नहीं ओके ओके, ये तो सही था, फाइव इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी बोले फाइव प्लस थीटा या थीटा प्लस फाइव, एक ही बात है, थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये भी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो थीटा माइनस फाइव, फाइव माइनस थीटा ना बोल के हम थीटा माइनस फाइव बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे थीटा माइनस फाइव था। अब देखिए इसको टू मान लीजिए, अब बोलिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन एक और दो से देखिए, क्या ए बी बराबर बी ए नहीं है? है जी, प्रूफ हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे ही आराम से सॉल्व कर देते हैं, तो बताइए इसमें कोई पूछना है डाउट? इसमें तो नहीं कोई डाउट होना चाहिए, तो लिखिए इसको, हाँ देखिए इस पर तो आ रहा है, ठीक, हाँ ये कहाँ है, इंक 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 इक्वल टू एफ एक्स जो दिया है ना, वो दिया है कॉस एक्स, और फिर दिया है माइनस का साइन एक्स, और फिर दिया है जीरो, और ये दिया हुआ है कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, जीरो 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 वन, ये दिया हुआ,
तो हमको सो डैट दिखाना है, सो डैट, सो डैट एफ एक्स, और ये क्वेश्चन आप बना ही लीजिएगा, बिल्कुल बना ही लीजिएगा। एक दो बार ये पूछता रहता है, कई बार पूछा हुआ है। अब मान लीजिए नहीं तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, सो डैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये दिया है। देखें ये जो बना लीजिएगा, याद लिख लिया क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखे थे हो गया जी। देखिए कह रहा है कि एफ एक्स दिया है ना, एफ एक्स दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, ठीक है। ऐसा ही एफ एक्स दिया हुआ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ थ्री क्रॉस थ्री क्या है, और तब हमको कहता है कि fx into fy, इसका जो मान होगा वो बराबर किसके होगा, fx plus y के बराबर होगा, ऐसा आपको दिखाना है। तो देखिए कितना आसान सा ही है क्वेश्चन, लेकिन देखिए पहला चीज हमको दिया क्या है, इसने दिया है गिवन डेट। देखिए जब बोर्ड्स में क्वेश्चन लिखिएगा ना, जब सोल्यूशन लिखिएगा तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी यूज करिएगा, और सोल्यूशन लिखते समय ध्यान हम लोग ये भी रखते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे तो साइड में क्या करिएगा, बॉक्स बना के एक फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, और लास्ट में आंसर लिखते समय हो सकता है तो आंसर को भी बॉक्स बना दीजिए, मस्त लिख दीजिए आंसर। सर ये सब थोड़ा अच्छा से लिखिएगा तो नंबर मिलता है, ठीक ठाक मिलेगा नंबर। तो दिया हमको गिवन डेट, ये क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और जीरो, और ये हो जाएगा साइन एक्स, ये कॉस एक्स है और जीरो, ऐसे लास्ट में बात कर लेंगे हम, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप मैं आपसे एक चीज ये पूछता हूँ, चलिए यहाँ देखिए, ये दिया है एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स इतना दिया हुआ है और बोल रहा है कि एफ वाई, तो आप सोचिए कि एफ वाई कैसे निकला होगा, हम क्या किए होंगे, एक्स के जगह पे क्या डाले होंगे, वाई डाले होंगे, तो बस कुछ नहीं करना हमको, एफ वाई निकालने के लिए जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या डाल देंगे, वाई डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू वाई डाल देते हैं, जैसे एक्स के जगह पे वाई डालिएगा ना, देखिए क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ वाई हो जाएगा, सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल वाई है तो कैपिटल ही रहने दीजिए, हाँ तो ये हो जाएगा, और सब जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो, और ये हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई जीरो, और जीरो जीरो वन हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है कि इन दोनों का इनटू में क्या होना चाहिए, एफ वन इंटू सॉरी एफ एक्स इंटू एफ वाई कितना दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब हम क्या लिखते हैं कि फ्रॉम वन, अब क्या करते हैं, इक्वेशन वन इंटू कर देते हैं इक्वेशन टू को, कर दे, अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर गुना करिएगा तो गुना में क्या होता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ गुना होगा और राइट वाला राइट के साथ गुना होगा, नहीं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ गुना करिए, तो एफ एक्स में किससे गुना होगा, तो ये कैपिटल है, हम चलिए कैपिटल एफ एक्स है और इसमें गुना होगा कैपिटल एफ वाई से, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए ये कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स जीरो, और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो, और जीरो जीरो वन हो जाएगा। अब इसी तरीके से इधर गुना करेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो, और ये हो जाएगा साइन वाई और कॉस वाई और फिर जीरो और जीरो जीरो वन, ये हो गया नहीं। अब सीधा सीधा बात है कि सवाल हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन का सवाल आ गया, कि अब इधर तो हमको यही लाना है, LHS में वही लाना था, अब बस RHS इधर जो दिया RHS, तो ये वाला मैट्रिक्स FX into FY जो मैट्रिक्स है इसको बस गुना करना है। अब गुना करने के लिए चलिए हम ऊपर गुना कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए गुना करके बोल आप बताइए हमको गुना करके क्या क्या आता है। देखिए यहाँ अब इसका पहला रो ले दीजिए, इसका पहला कॉलम ले दीजिए, तो देखिए cos x into cos y, हाँ तो ये हो जाएगा cos x into cos y, मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है, चलिए काम क्या करते हैं,
ये तो अपना जो आ रहा था एक लाइन और लिख देते, इसको एफ एक्स इंटू एफ वाई आ रहा था, और ये आ रहा था अपना कितना कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस वाई ठीक है। और यहाँ देखिए जीरो इंटू जीरो करेंगे तो जीरो प्लस में जीरो, अच्छा उधर लिखने के लिए हमको लगे जगह नहीं बचेगा, आ जाएगा नहीं वहाँ तक, वहाँ तक नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा, नहीं क्या किया जाए, मिटाना पड़ेगा, जगह घुमा देंगे इधर उधर, हाँ ये भी होगा थोड़ा बहुत शिफ्ट कर देंगे कोई बात नहीं, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वहाँ तक नहीं, क्योंकि अभी हमको तीन तीन दो में, हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब इसका हो गया गुना, अब क्या करते हैं दूसरा आर आर टू का गुना करते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस कॉस वाई, हाँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस वाई, अब प्लस यहाँ देखिए कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये जाएगा cos x into sin y plus 0, अब प्लस में तो देखिए 0 into 0 0 हो जाएगा, तो प्लस में 0, अब आइए इसका लिख देते हैं, इसमें तो दिख रहा है आप 0 0 करेंगे ना, हाँ तो ये तो सब 0 हो जाएगा क्योंकि 0 into cos y 0 और 0 into sin y 0 और 1 into 0 0, ये तो पूरा 0 है, 0 plus 0 plus 0 ठीक है, अब आइए इधर देखते हैं, अब इसका c2 में करते हैं, c2 में गुना करिए, देखिए तो cos x into माइनस का साइन वाई, cos x into माइनस का साइन, हाँ तो हम ये लिख दें कि माइनस साइन वाई इंटू cos x, साइन वाई इंटू cos x ठीक है, हम लिख देंगे वो हम सुधार देंगे वैसा हुआ तो, ये माइनस का साइन वाई इंटू cos x यहाँ देखिए, उसके बाद क्या गुना में है, और उसके बाद गुना में हम माइनस का साइन एक्स इंटू cos y, माइनस का साइन एक्स इंटू cos y ठीक है, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई ठीक है, बहुत बढ़िया ठीक है ना, साइन इंटू कॉस अरेंज करके लिख देते हैं, नहीं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते, देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस के कॉमन ले लेंगे, माइनस तो कॉमन हो जाएगा, और साइन इंटू कॉस भी बोलते हैं, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या आने जा रहा है रिलेशन अपना, ये तो कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, नहीं तो कॉस एक्स प्लस वाई, इन दोनों में अगर कॉमन ले लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, तो बस इसको हम कॉस वाई को पहले लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, बस इसको इंटू को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम कॉस वाई इंटू साइन एक्स लिख देते हैं, कॉस वाई इंटू साइन एक्स ठीक, बस हो गया, अब यहाँ देखिए अब दूसरा जीरो का गुना जीरो के साथ करेंगे तो ये तो जीरो जीरो हो जाएगा ठीक है, प्लस में जीरो यहाँ तक हम नहीं देखेगा ना, हम तो शिफ्ट कर देते, शिफ्ट कर देते, कर देते, कर दिए हैं, हमको जा पाएंगे वहाँ तक, हाँ नहीं जा पाएंगे आप उठिए, आ जाते सर ठीक है एकदम ठीक है, आइए आ रहा है, खिड़की खिड़की बंद करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर एग्जाम से यहाँ देखिए आप क्या करते हैं इसका, यहाँ देखिए गुना करते हैं, अब आर वन से गुना कर दिया, अब आर टू से गुना करते हैं, तो साइन ए यहाँ देखिए इसका गुना करेंगे साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो ठीक इसको लिख देते हैं माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, साइन वाई ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई ठीक है, प्लस में कॉस एक्स इंटू cos y प्लस में कितना आ रहा है जीरो, जीरो बहुत बढ़िया, अब आइए इसका तीसरा देखते हैं, तो तीसरा तो फिर देख रहा है जीरो हो जाएगा, जीरो 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 इंटू जीरो सॉरी साइन वाई जीरो और जीरो इंटू कॉस वाई जीरो और वन इंटू जीरो जीरो, ये पूरा जीरो जीरो आ रहा है, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ठीक है, आप उसका लिख देते हैं, अब एक और अभी बचा हुआ, अब इसका C3 लीजिए, इसमें भी ज़्यादा तो जीरो होने वाला है, देखिए cos x इंटू जीरो जीरो हो जाएगा और माइनस का साइन एक्स इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो ऊपर में सब जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, आप एक बार मैं आपको दिखा भी दूँ आपको दिख जाएगा, देखो ये कॉस एक्स इंटू ये वाला जीरो करेंगे तो जीरो और ये मतलब ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू वन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अब इसमें देखिए ये भी जीरो हो जाएगा, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, अब कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो
और जीरो इंटू वन जीरो हो जाएगा, इसको देख लीजिए, जीरो इंटू जीरो 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 इंटू जीरो वन इंटू वन वन है। तो ये तो पता चल गया कि इसमें भी पूरा जीरो है, इसमें एक इसमें क्या है जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस वन है नहीं जी, यही है यहाँ तक, हाँ यहाँ तक दिख जा रहा है ना जी। अब हो गया फिनिश, अब बस हो गया। देखिए ठीक है चलिए यहाँ देखिए बस इसको करके फिर ठीक कर देंगे। देखिए यहाँ हाँ, अब बस लिखने के बाद ये देखिए फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए cos a into cos b और माइनस sin a into sin b, ठीक है cos a plus b, तो इसको क्या लिख देंगे cos x plus y। चलिए रहने देते एक बार cos x, क्योंकि वहां से फिर माइनस कॉमन लेंगे एक ही साथ लिख देंगे cos x into cos y और माइनस में sin x into sin y, और जीरो को तो हटा ही देते हैं क्योंकि जीरो प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए इस माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लेंगे और इसको बोलेंगे साइन ए इंटू साइन वाई इंटू कॉस एक्स और प्लस में कॉस वाई इंटू साइन एक्स हो गया। और इधर से तो दिख रहा है जीरो प्लस जीरो ये जीरो हो गया सब जीरो। यहाँ देखें इसमें देखें साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी, साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो गया। और इसमें भी देखिए इसमें इसको पहले लिख दीजिए, इस माइनस वाला को बाद में लिखिए, तो cos x into cos y और माइनस में हो जाएगा sin x into sin y, और जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये जीरो इंटू जीरो सॉरी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये तो पूरा जीरो है, ये भी जीरो है और ये क्या है वन है, बस हो गया। अब लिखने के बारे है सब लिख दीजिए, हो गया। ये अपना आ क्या रहा था, अपना ये आ रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई आ रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई आ रहा है। देखिए कितना आ गया, ये cos a into cos b माइनस में sin a into sin b, देखिए ना, तो ये हो जाएगा cos x plus y, कितना हो जाएगा cos x plus y हो जाएगा, नहीं क्योंकि माइनस होता तो बीच में प्लस हो जाता है, तो ये हो गया। और ये sin into cos b या cos a into sin b, तो sin a plus b sin y plus x या y plus x को बोलते हैं x plus y, तो ये हो जाएगा माइनस में sin x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ देखिए और ये तो अपना जीरो है तो जीरो रह जाएगा, और इधर देखिए साइन ए इंटू कॉस भी है कॉस ए इंटू साइन भी, तो ये भी हो जाएगा साइन साइन एक्स प्लस वाई, और इसको देखिए कॉस ए इंटू कॉस भी और साइन ए इंटू साइन भी, तो ये भी है कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, हाँ। और ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वन। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो हम लिखे ना ये पूरा बात ये क्या ये नहीं है, ये जो लिखे हैं क्या ये कैपिटल x प्लस वाई नहीं लिखा हुआ है। देखिए आप जरा समझिएगा बात, क्योंकि जब इसमें x लिखा हुआ था तो सबके एंगल में x x था, देखिए जब इसमें y लिखे थे f y तो सबके एंगल में क्या था y y था। तो यहाँ पर देखिए हम उल्टा भी तो सोच सकते हैं, हम उल्टा सोच सकते हैं, जब इसके एंगल में x था तो इसमें f में x था, जब इसके एंगल में y था तो f में क्या था y था, तो आप बोलिए कि इसके एंगल में क्या है x प्लस वाई, तो f में क्या होगा x प्लस वाई, सीधा भी ऐसे भी तो सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबके एंगल में दिया है x प्लस वाई, इसका मतलब f में भी क्या होगा x प्लस वाई, तो बस आ गया। तो यही हमको दिखाना था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई ये बराबर किसको होता है एफ एक्स प्लस y के बराबर होता है, ये प्रूव हो गया। और इस क्वेश्चन को जरूर एक दो बार बना लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि ये इसमें फार्मूला से कुछ कुछ याद रखने लायक है, ये साइन ए प्लस बी ये हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में है कॉस ए इंटू साइन बी, इसीलिए ट्रिगो को बार बार बोलते हैं सबको रिवाइज करने के लिए। और कॉस ए माइनस बी ये हो जाता है कॉस ए इंटू सॉरी कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में है साइन ए इंटू, हाँ क्योंकि ट्रिगो ही एक ऐसा चैप्टर है ना, कहीं भी किसी भी चैप्टर में आ जाएगा, उसका कुछ है नहीं, कहीं भी आ जाता है उसका, जहाँ मन होता है वहाँ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए लिख दे निपटा दीजिए इसको। नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है।
कह रहे हैं कि लेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आपको लिखे लेट ए बी एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ठीक है, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जो नॉन जीरो है, मतलब उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो जीरो नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि उसका सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन कोई भी एक भी एलिमेंट उसका अगर जीरो नहीं है तो उसको क्या, कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो हम बोल दिए हैं कि वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? एम क्रॉस एन का। ठीक है, देन मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज और या ए के पावर टी लिखा जाता है। ट्रांसपोज को देखिए, हम आपको सब सारे बातें आप समझाते हैं। कह रहा है कि ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स मान लिए जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन का। तब उसके बाद कह रहा है कि एक मैट्रिक्स हम ऐसा बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग दो इंटू कॉलम, हम क्या करते हैं, दो को कॉलम बना देते हैं। एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसके दो दिए, जैसे दो दिया है पहला दो, तो पहला दो को हम पहला कॉलम बना देंगे, दूसरा दो को दूसरा कॉलम, तीसरा दो को तीसरा कॉलम। ऐसा हम मान लिए कि थ्री के और थ्री का कोई मैट्रिक्स है, तो पहला दो को इसको पहला कॉलम, दूसरा दो को दूसरा कॉलम, तीसरा दो को अगर तीसरा कॉलम बना दिया ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स मिला ना, उसके बाद बनाने का दो को कॉलम इंटरचेंज कर दिए, और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला आपको, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी जस्ट एग्जांपल देखे आपको समझाते हैं। अब कह रहे हैं कि वो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनता है ना, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए पे डैश से या ए पे पावर टी लिखते हैं। ट्रांसपोज को हम लोग ए के पावर डैश बोलते हैं या ए के पावर टी। ऐसा कभी आप लिखा रहे तो आप पढ़िएगा इसको ए ट्रांसपोज, ठीक है, या ऐसा भी लिखा रहे तो भी बोलते हैं ए ट्रांसपोज। देखिए इसको पढ़ते हैं, रीड एज ए ट्रांसपोज, या ऐसा भी लिखा रहे कभी तो ये भी पढ़िएगा, ऐसा दोनों में से कुछ भी लिखा रहे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है, हाँ ये भी डैश से हो गया, टी होता है। आप कह रहे हैं कि एक एग्जांपल देखे आपको इसे क्या था, या पहले आपको रुक जाइए। एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए आई जे, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, तो कहता है इसके बाद अगर इसका ट्रांसपोज आप बनाइएगा ना, ट्रांसपोज बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला, हाँ इसके बाद इसका अगर ट्रांसपोज बनाएंगे तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा ना, वो मैट्रिक्स बनेगा ये ट्रांसपोज, तो ये भी मान लीजिए ए आई जे, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा। एम क्रॉस एन से क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम कैसा हो जाएगा ऑर्डर, एन क्रॉस एम। अभी जस्ट आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स हम कुछ ऐसा बोल देते A11, A12, A13, A21, A22, A23। चलिए यही रहने देता हूँ। देखिए 2x3 का मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिए 2x3 का मैट्रिक्स। अब आइए इसका ट्रांसपोज बनाते हैं। ट्रांसपोज के लिए सिंपल सब चीजें आपको याद रखना है। ट्रांसपोज में कुछ नहीं करते हैं, दो को हम क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं। सीधा सीधा बात बोल रहा हूँ आसान भाषा में, कि ट्रांसपोज के लिए कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप जब भी आपसे पूछे ना, तो कुछ नहीं करिए, उसका दो देखिए और उसको दो को क्या बना दीजिए, कॉलम बना दीजिए। या दूसरा तरीका है कि इसके कॉलम को आप दो बना दीजिए, ये भी होता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि दो को ही कॉलम बना देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो को उठाइएगा, पहला दो को पहला कॉलम, दूसरा दो को दूसरा कॉलम। तो आइए बताइए कि इसका ट्रांसपोज में क्या बनेगा, पहला दो में कौन कौन है, A12, A13 हो जाएगा। फिर दूसरा दो में क्या है, A21, A22, A23। हाँ, तो पहला दो को पहला कॉलम बना दिए और दूसरा दो को दूसरा कॉलम, तो इसको बना दीजिए A21, A22, A23। अब मैं आपको इसका ऑर्डर पूछता हूँ, इसका ऑर्डर बताइए तो, 3x2।
क्या आपको नहीं लगता है कि पहले 2 क्रॉस 3 था, अब क्या हो गया 3 क्रॉस 2 होता है। यहाँ भी वही बात बोल रहे हैं कि पहले अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n है तो उसका ट्रांसपोज करिएगा ना, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाता है n क्रॉस m, बस ये इंटरचेंज हो जाता है, रो वाला कॉलम में आ जाता है, कॉलम वाला रो में चला जाता है। क्या बात समझ पाए जी? ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल ऐसा लिखते हैं कि देखिए हम एक मैट्रिक्स मान लीजिए हम आपको देते हैं 2 5 3 4 0 9 -1 -3 2, मान लीजिए ऐसा है। हम आपसे बोलते हैं कि फाइंड ए ट्रांसपोज, आपको क्या बोलते हैं ए ट्रांसपोज बताइए, तो आप बताइए इसका ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा। 2 5 3 4 0 9 -1 -1। हाँ, इसमें क्या करिएगा कि पहला रो में जो दिया है उसको पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरा रो में जो दिया है दूसरा कॉलम, और तीसरा रो में दिया है उसको तीसरा कॉलम। तो पहला रो में दिया 2 5 3, इसको बना दीजिए 2 5 3, फिर हो जाएगा 4 0 9 दिया है तो इसको बना दीजिए 4 0 9, और फिर -1 और -3 और ये हो जाएगा 2। आप बताइए इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। हाँ, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, लेकिन इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ पे ऑर्डर पर इसीलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ए और एन क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स था, क्योंकि जितना दो था उतना ही कॉलम था, तो इसमें फर्क पड़ा ही नहीं क्योंकि जितना ऑर्डर था उतना ही आ गया। क्योंकि कब ये ऐसा होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा, तो जब एम और एन बराबर दिया जाएगा तो उसके ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसका ये ट्रांसपोज हो चुका है, हम लोग दो को क्या बना दिया कॉलम बना दिया है। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स का आपको जब भी पूछे कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाना है तो हमेशा याद रखिए कि ट्रांसपोज का मतलब उसके दो को क्या बना देना है, कॉलम बदलना है। बस दो, उसका पहला दो को पहला कॉलम बना दीजिएगा, दूसरा दो को दूसरा कॉलम, तीसरा दो को तीसरा कॉलम। सीधा बात है कि दो को कॉलम में बदल दीजिए, उसके बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वही मैट्रिक्स को बोलेंगे ट्रांसपोज है। ठीक, बात समझ पाए? देखिए इतना बात है, अगर समझ पाए तो इतना बात छाप दीजिए, अगर इसके लिखते टाइम अगर कुछ पूछना हो आपको तो बिल्कुल आप पूछ भी सकते हैं। फाइंड ए ट्रांसपोज, बताइए ए ट्रांसपोज। 2 3 4 5 -2 -1 -4 8 4 8 7 5 ए ट्रांसपोज कुछ नहीं, सबको दो को कॉलम बनाइए। देखिए आपको दो को कॉलम भी बना सकते हैं या कॉलम को भी दो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग दो को कॉलम ही बनाते हैं। तो देखिए आराम से पहला को क्या बना दीजिए, पहला कॉलम 2 3 4 5 -2 -1 4 8 8 और 7 5 3 5 3 1 1 हो गया, ये हो गया। और इसका ऑर्डर मैं आपसे पूछू तो 4 3 4 3 इसका ऑर्डर 4 3 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है कि इफ a equal to, ये देखता ज्यादा है यहाँ पे, a equal to cos theta minus का sine theta, और फिर दिया हुआ है sine theta cos theta, sine theta cos theta, ठीक है, और then find the value of theta satisfying the equation, अच्छा, then find the value of theta, the value of theta. Satisfying the equation, a plus a transpose equal to i2, ठीक है, ये दिया हुआ, ये कंडीशन दिया हुआ, और इसमें आपको बताना है कि थीटा का क्या वैल्यू होगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए थोड़ा सा ट्राई करिए आप। क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा ट्राई करिए बनाने का, फिर हम बताएंगे नहीं बनेगा। cos थीटा माइनस का sin थीटा, और ये sin थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा। ये नीचे दिख रहा है यहाँ पे ये ट्रांसपोज जी, और ये बोलिए इसका ट्रांसपोज बताइए। cos थीटा माइनस का sin थीटा, और sin थीटा cos थीटा, ये हो गया। और हमको इक्वेशन क्या दिया है,
कि a प्लस a ट्रांसपोज का वैल्यू क्या दिया है, I2 मतलब यूनिट मैट्रिक्स दिया है। तो बस लिख देते हैं a के जगह पे, यहाँ देखिए a प्लस a ट्रांसपोज हम बराबर करते हैं किसके बराबर, I2 के बराबर। a के जगह पे क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस का sin थीटा, और ये जगह sin थीटा cos थीटा। बॉस देख रहे ना, यहाँ देखिए और a ट्रांसपोज बताइए, cos थीटा sin थीटा कितना, cos थीटा और sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, और इसका वैल्यू 1001 यही होता है I2 जी। नहीं, अब इन दोनों को जोड़िए, जैसे जोड़िएगा ना ऊपर लिख देते हैं जोड़ने के बाद, यहाँ देखिए इस जोड़ने के बाद हम ऊपर लिख देते हैं, अगर जैसे ही इसको जोड़िएगा तो यहाँ देखिए जोड़ने का मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन तब ही होता है जब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये भी 2×2 ये भी 2×2। अब जोड़ने का मतलब कैसे निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, तब cos थीटा और ये cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, इस cos में इस cos को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा cos थीटा, यहां देखिए, और ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा, इसको जोड़ेंगे तो 0 सही है, और यहां देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, जीरो हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1001 हाँ इसका हो जाएगा 1001 ठीक है, इसको बोलते हैं 2×2, इसको भी बोलते हैं 2×2। अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं, तो इसका मतलब 2 cos थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर जी, तो cos थीटा किसके बराबर होगा, 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है cos pi / 3, cos 60 डिग्री का मान होता है, नहीं तो इसको हम बोलेंगे cos थीटा = cos pi / 3, ठीक है ऐसा। तो या तो थीटा, अगर हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला, इसने बोलता कि हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आंसर दीजिए तो हम पाई बाई 3 देके छोड़ देते हैं, पाई बाई 3 बोल के हम इसको छोड़ देते हैं आप, लेकिन ऐसा इसने कुछ बोला ही नहीं है तो हम क्या करते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं, जनरल में आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल करके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन वहां से निकाला जा सकता है, एन का अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो हमको अलग अलग सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको जनरल सॉल्यूशन में लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, या हम भी पढ़ाए हैं आपको कि cos थीटा इक्वल टू, अगर cos अल्फा रहता है ना तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2n pi प्लस माइनस अल्फा, ये चीज हम आपको पढ़ाए हुए कॉपी में, ठीक है जब बता देते हैं तो बता देते हैं, देखिए तो ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो थीटा इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा, तो ये भी तो बात है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है pi / 3, तो ये भी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n pi प्लस माइनस अल्फा की जगह पे थीटा pi / 3, और यही अपना थीटा का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वेयर एन इज, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर होगा एन, आपका इंटीजर होगा, बस हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है तो निपटा दीजिए इसको। कौन चौधरी है सब क्या जी जी आजी वाजी नाम का लिखे एक के नाम के लायो के नाम चौधरी सब का सब एक नाम ही छक्का नहीं बताइए कितना खराब लगता होगा कि गर्लफ्रेंड पूछा उसका नहीं आ रहा है तो उसको बोलना चाहिए कि तुम्हारे चक्कर में तो आज हमको नहीं आ रहा है नहीं सही बात है उसी के चक्कर में तो नहीं आ रहा है दिन कहेगा कि भाई दिन भर तू फोन पर बच जाएगी तो कैसे आएगा सही होता है ऐसा है हम लोग में भी रहता है हम एक चुड़वा दूसरा चुड़वा कहेगा तो कैसा लगेगा तू कहेगा तू भी तो दोनों एक दूसरे का पूरक है।
ना फिर भी लड़की से पढ़ लेते लड़के रिजल्ट देखते हैं आजकल आजकल रिजल्ट देखते हैं आप हमेशा लड़की लोग हमेशा आगे रहते हैं और अच्छी बात है रहना चाहिए लड़का क्यों उलझा देता है दूसरा जाल बुलाती है मगर जाने का नहीं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फिर बोला ये भी दिक्कत है ना ये समस्या तो यहाँ भी है देखिए क्वेश्चन हम एक बार बोल देते हैं कि कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है इज अ मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है कहता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू किसके बराबर है आई के बराबर है तो हमको किसका वैल्यू निकालना है ए और बी का वैल्यू निकालना कुछ नहीं करिए आपको ये जो दिया है ना तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा दो को कॉलम बना दीजिए ठीक है अब कॉलम बनाने के बाद जो बनेगा ना उन दोनों का गुना कर दीजिएगा ए को गुना कर दीजिएगा ए ट्रांसपोज से और उसको किसके बराबर कर दीजिएगा आई के बराबर थ्री क्रॉस थ्री यूनिक मैट्रिक्स का होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और वहां से फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाइएगा और ए बी का वैल्यू निकालेगा समझ गए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पहला प्रॉपर्टी लिखिए पहला प्रॉपर्टी है कह रहा है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिएगा और फिर उसका ट्रांसपोज करिएगा तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा ये बातें तो आपको समझ में आनी चाहिए जी जस्ट हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल करते हैं जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मान लीजिए 2 3 4 5 मान लीजिए याद रखिए हम ये बोल रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए ट्रांसपोज के बाद फिर एक बार ट्रांसपोज करिए दोबारा ट्रांसपोज करिएगा ना मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है उसका एक बार ट्रांसपोज कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा ए ट्रांसपोज मिलेगा और ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करिए तो आपको वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा आप देखिए यहाँ पे आप देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए आप बताइए तो कितना होगा इसका ट्रांसपोज 2 3 2 3 2 3 4 5 4 5 ये होगा जी अब मैं बोलता हूँ इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दीजिए एक बार और ट्रांसपोज का मतलब इस ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा नहीं अब होल ट्रांसपोज का मतलब फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा 2 4 2 4 3 5 3 5 क्या आपको नहीं लगता वही बन गया जी यहाँ देखिए ए जो था वही बन गया तो यहाँ से हम इसको ये बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज करते हैं ना तो हमको यही मैट्रिक्स मिल जाता है क्या बात आप समझ पाए जी हाँ इसमें अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा भी हो जाए बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करिएगा तो क्या मिलेगा बी ही मिलता है ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसको ध्यान रखिएगा सर दूसरा प्रॉपर्टी ये इधर लिख देते दूसरा से कह रहा है ए प्लस बी इसका अगर ट्रांसपोज करिएगा चलिए फिर सर प्लस माइनस भी लिख दिए ठीक और ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टी है उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है कि आप क्या करिए आपको मान लीजिए मैट्रिक्स ए दिया है कोई ठीक है मैट्रिक्स बी भी कोई दिया है आप क्या करिए दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसका ट्रांसपोज करिए या आप ऐसा करिए कि पहले मैट्रिक्स ए का ही ट्रांसपोज कर लीजिए आप पहले मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज कर लीजिए आप दोनों को जोड़ दीजिए वो दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है तो यहां से हम बोलेंगे ए ट्रांसपोज आप प्लस रहेगा तो प्लस दीजिएगा माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा बी ट्रांसपोज ऐसा हो जाता है सीधा सीधा हम ये बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स ए दिया रहेगा आपको मैट्रिक्स बी दिया रहेगा तो पहला काम करिए उन दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ के ट्रांसपोज करिए या अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ दीजिए दोनों का मान क्या होता है सेम होता है ठीक है हाँ देखिए जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें 2 3 4 5 मान लीजिए ये हो गया और बी मैट्रिक्स मान लीजिए 1 0 3 5 हो गया मान लीजिए ऐसा हम ये बोलते हैं कि आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज बताइए ठीक है जी हाँ ए वेरीफाई करके दिखा देते कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये बराबर वेरीफाई कर दीजिए वेरीफाई ये बराबर होगा किसका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अब देखिए आप ही बताइए कि मैं आपसे पूछूंगा ए प्लस बी करने के लिए तो आप कर देंगे ना जी कितना हो जाएगा 2 3 4 5 इसमें जुट जाएगा कौन 1 0 3 5 आप बताइए इसको जोड़ के आप बताइए हमको
ए प्लस बी कितना आ जाएगा? तीन सात ये हो जाएगा तीन तीन सात दस ऐसा हो जाएगा नहीं अब हम बोलते हैं इसका ट्रांसपोज कर दिए तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दीजिए कर दे तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है दो को कॉलम बना देना तो दो को कॉलम बनाइए तो तीन तीन हो जाएगा सात ये बन गया आप क्या करिए कि पहले क्या करिए इसको चलिए वन मान लेते हैं इसको वन मान लेते हैं अब हम पहले ये बोलते हैं कि ए का ट्रांसपोज कर लीजिए और बी का ट्रांसपोज कर लीजिए तब दोनों को जोड़ दीजिए अब आइए ए का ट्रांसपोज आप बताइए तो कितना होगा ए का ट्रांसपोज बोलिए दो तीन चार पाँच ठीक है और बी का ट्रांसपोज बताइए तो एक जीरो तीन पाँच हाँ एक जीरो तीन पाँच तीन पाँच अब हम क्या बोलते हैं दोनों को जोड़ दीजिए अब क्या करिए ए ट्रांसपोज प्लस में कर दीजिए कितना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है टू थ्री फोर फाइव अब बी ट्रांसपोज कितना हो गया वन थ्री जीरो फाइव इन दोनों को जोड़िए तो तीन सात ये कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा तीन सात तेरह और यहाँ हो जाएगा सात हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा तीन हो जाएगा दस हो जाएगा क्या आपको नहीं लगता ये तो बड़ा बड़ा गया हम यहाँ से बोल सकते हैं अब यहाँ से यहाँ बोल देता हूँ कि फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज करिए या आप क्या करिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करिए ये दोनों क्या होता है इक्वल होगा बराबर होता है हाँ अभी हम प्लस वाला किए हैं लेकिन जब माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाले के बराबर होगा ए में से बी घटा के ट्रांसपोज करिए या पहले ट्रांसपोज करके घटा दीजिए दोनों बात क्या है बराबर ही है ठीक है लिख दीजिए इसको अब चलिए तीसरा प्रॉपर्टी करते हैं वीडियो लंबा बन गया अरे कोई बात नहीं छियालीस हो गया हाँ पचास तक तिरपन तक इसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो भी शुरू कर देंगे आपको कब दस वर्ड है ना दस बीस तक छोड़ देंगे बीस पच्चीस तक कौन सा प्रॉपर्टी था ये अब क्या करते हैं अब पहला क्या करिए ट्रांसपोज निकाल लीजिए ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तब ट्रांसपोज हो जाएगा आपका टू थ्री फोर फाइव अब तब इसमें पाँच से गुना करिए फाइव ए ट्रांसपोज फिर यहाँ पे भी हो जाएगा फाइव एंड टू थ्री थ्री फोर फाइव तो मेरे ये क्या बन जाएगा फाइव ए ट्रांसपोज इक्वल टू टेन दस बीस पंद्रह पच्चीस फिर इसको टू बोल दीजिए और इसको वन बोल दिया फिर देखिए फ्रॉम वन एंड टू वन एंड टू ये क्या हो जाएगा फाइव ए का ट्रांसपोज करिए ये बराबर हो जाता है पाँच इंटू ए ट्रांसपोज हम जस्ट इसको अब समझाते हैं क्या लिखे हैं इतना बातें ऐसे तो समझ में आया होगा
देखिए देखिए अंकित कह रहा है कि मान लीजिए किसी कह रहा है किसी स्केलर नंबर, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट होता है, कोई नंबर की बात करते हैं, स्केलर मतलब होता है कांस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स में आप क्या करिए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए, या आप क्या करिए कि पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए अब तब उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। यही बोल रहा था हम क्या कि यहाँ एक मैट्रिक्स ले लिए, उस मैट्रिक्स में हम 5 से गुना कर दिए, अब तब हम उसका ट्रांसपोज लिए तो उसको निकाल दिए, और फिर क्या किया हम पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही कर दिए, और ट्रांसपोज लेने के बाद हम उसे 5 से गुना कर दिया, तो दोनों का दोनों क्या आया, बराबर आया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नहीं, या तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए और बाद में उसके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी अब लिखिए, तीसरा चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा ऐसे, इसका तो सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसका तो ट्रांसपोज का खैर सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह पे बहुत काम की बात चीज है ये। देखिए चौथा प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखना ही रखना है, जीवन में भूलना नहीं कभी। कसम खाते हैं ना कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ऐसा कसम खाइए कि इसको भूलेंगे नहीं कभी। नीतीश भी खा रहा था, नीतीश भी खाया था, गुना करते हैं तो क्या करिए, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी से गुना कर दीजिए, अब गुना करने के बाद उसका ट्रांसपोज करिए, ठीक है, या आप क्या करिए कि पहले, लेकिन हाँ पहले क्या करिए, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, इनटू करना होगा ए मैट्रिक्स का, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बोलता हूँ, यहाँ देखिए हम ये बोल रहे हैं कि कभी भी दो मैट्रिक्स का इनटू का ट्रांसपोज करना है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये इसका ऑर्डर बदल जाता है, ऑर्डर बदलने का मतलब पहला का ट्रांसपोज, इसमें दूसरा जो दिया है ना, दूसरा का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, फिर पहला का ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए चाहे तो आप एग्जाम्पल हम एक देते हैं, आप करके देख लीजिए, मैं थोड़ा सा दे देता हूँ एक एग्जाम्पल, देखिए ए मैट्रिक्स छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं 2 3 4 5, ठीक है, और बी मैट्रिक्स मान लीजिए 1 0 3 5, मान लीजिए ऐसा ही है। अब हम आपसे क्या बोलते हैं कि आप क्या करिए, पहले ए बी निकालिए, ठीक है, और ए बी निकाल के इसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर ये निकालेंगे। अब करिए इस वीडियो को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा शुरू कर देंगे, ऐसे तो 1.25 घंटे तक ऐसे चलता भी रहे तो मेरे ख्याल नहीं दिक्कत होना चाहिए, चलिए कर ही देता हूँ, कहीं गैस होता है, वीडियो में ब्लर हो गया था, ठीक है, एक्सपोजर लॉक हम इसको एक बार समझा देते हैं, वैसे समझाया हुआ चीज है, सबसे लिखा हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज हो जाता है, ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये वाला समझा चुके हैं ना, समझा है, लेकिन इस वीडियो में वो तो ब्लर हो गया था, ठीक है ना, तो ए बी का ट्रांसपोज होता है वो हो जाता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बस एग्जांपल है कि हम लोग ए मैट्रिक्स मान लिए, बी मैट्रिक्स मान लिए, और मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को गुना करें, ए बी निकाल रहे, तो गुना करने के बाद हम जब गुना कर दिए तो आपको ए बी मैट्रिक्स मिला 11 15 19 25, और जब इसका ट्रांसपोज कर लिए ए बी का ट्रांसपोज तो हमको क्या मिला, दो को कॉलम बना दीजिए, तो दो को कॉलम 11 15 और फिर 19 25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में हम क्या किए कि पहले बी का ट्रांसपोज कर लीजिए और फिर ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है, और उन दोनों का गुना कर दिए, तब उन दोनों का गुना किए तो हमको मिला, ये भी मिला 11 19 15 25, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देखिएगा ना
इसमें LHS में दिया हुआ है AB का ट्रांसपोज और यहाँ पे LHS दिया हुआ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और दोनों का RHS RHS बराबर है। तो जब LHS LHS अब RHS RHS बराबर होगा इसका मतलब LHS LHS भी क्या होगा बराबर होता है, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं AB का जो ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसी तरीके से PQ का अगर ट्रांसपोज हम आपसे कभी पूछे तो ये हो जाएगा Q का ट्रांसपोज और P का ट्रांसपोज। अगर RP का ट्रांसपोज पूछे तो P का ट्रांसपोज और R का ट्रांसपोज। इतना बातें हो गया। अब यहाँ देखें ABC का अगर ट्रांसपोज पूछते हैं ना तो ये हो जाता है C का, इसका भी उलट जाएगा ऑर्डर, C का ट्रांसपोज फिर दीजिएगा B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज, ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं ठीक है। अब फिर ABC तीन मैट्रिक्स मान लिए, फिर AB को हम गुना किए तो AB जस्ट अभी गुना ही किए थे तो उसमें हमको 11, 15, 19, 25 मिल गया है ठीक है। और यहाँ फिर AB में हम C से गुना कर दिए थे, AB में C से गुना कर दे, बोलिए इसको बोला जाए कितना है, इसको गुना करने पे 11 इकाई 11 और फिर हो जाएगा कितना 15 चौका 60 हाँ तो प्लस में 60 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 19 और प्लस 25 चौका 100 ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 11 और 33 अब प्लस में हो जाएगा 15 दुना 30 और यहाँ हो जाएगा फिर 19 दिया 57 और यह हो जाएगा 25 दुना 50 इन दोनों को जोड़ दिए हैं जी। तो बताइए ए बी सी का कितना आ गया मैट्रिक्स 71 63 119 नीचे में होगा 119 सही ना ठीक है और 107। अब मैं बोलूं कि इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए तो ए बी सी का ट्रांसपोज हो जाएगा तो ट्रांसपोज का मतलब 2 को कॉलम बना दो तो ये हो जाएगा 71 63 119 और 107 ये बन जाएगा जी। और ये भी हो गया आपका 2+2 का हो गया। अब इसी बात को हम क्या बोले थे कि सबका अलग अलग ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज कर दीजिए और फिर बी का ट्रांसपोज कर दीजिए और फिर ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए तो ये सब भी क्या होगा बराबर होता है ठीक है। हम इसमें आपसे पूछते हैं आप बताइएगा हम जल्दी जल्दी लिखते हैं बस ये हो गया। आपका नहीं आया सब मिल गया नहीं आया बाकी सब मिल गया मिला होगा आप सही से गुना करिएगा तो मिलेगा नहीं, ऐसा ये रिजल्ट ही है तो नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है, अगर नहीं मिला तो फिर रिजल्ट गलत हो जाएगा। आपका गलती होगा कहीं देख लीजिए। देखिए ए ट्रांसपोज बताइए कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 2 4 2 3 4 5 जी। और बी ट्रांसपोज बताइए 1 0 3 5 1 0 3 5 3 5 सी ट्रांसपोज हो जाएगा 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 4 2। अब कुछ नहीं हम क्या करते हैं सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को पहले गुना कर देते हैं तो सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का गुना कर देते हैं तो 1 3 4 2 हो जाएगा जी। और इसका गुना हो जाएगा किसके साथ, हाँ इसका गुना हो जाएगा 1 3 0 5 के साथ। बताइए तो इसका गुना कितना आया है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का गुना आप 1+0 हाँ 1 × 1 करेंगे 1 हो जाएगा और 0 सीधा 1+0 ठीक है 3+0 नीचे और इसको जब इससे गुना करिएगा तो 3+0 अब बोलिए 3+20 हाँ 3 × 3 और प्लस 5 × 20 हो जाएगा ठीक है 9+10 और ये हो जाएगा 3 × 9 ठीक है 3 × 9 और 5 × 9 10 ठीक है। तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज जो आपको मिला ये मिला 1 3 23 19 अब इसमें गुना कर दीजिए ए ट्रांसपोज से बी ट्रांसपोज और इसमें गुना कर दीजिए किससे ए ट्रांसपोज से तो 1 23 3 19 इसको गुना ए ट्रांसपोज कितना है 2 4 3 5 2 3 4 5 अब इसको गुना करिए तो 2+69 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा 23 दिया 69 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 × 2 6 6 19 दिया 57 और 1 × 4 4 अब प्लस 23 × 5 115 ठीक है और 12+95 23 × 5 115 हाँ 5 ठीक है और 3 × 12 12 और प्लस 19 × 5 95 95 अब इसको हम जोड़ दीजिए सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अब जोड़िए तो 71 71 119 हाँ 119 107
तिरसठ एक सौ सात, बहुत बढ़िया। और इसको टू बोल दीजिए और इसको यहाँ पे वन बोल दीजिए। आप बोलिएगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन एक और दो से बोलते हैं ए बी सी का अगर ट्रांसपोज करिएगा तो ये हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये बहुत बढ़िया, वेरिफिकेशन भी हो ही गया। तो इसी तरीके से आपको कभी याद रखिएगा पी क्यू अगर आर है ना, इसका ट्रांसपोज बोलेगा तो क्या बोलेगा, आर ट्रांसपोज, क्यू ट्रांसपोज, क्यू ट्रांसपोज और पी ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए तीन से कभी जाए तो ऐसे बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए इतना बातें हो गया तो हम टाइम दे देते आज इतना ही। ठीक है, कल आप बना के आइए फिर। चलिए टाइप टू खत्म कर देना है ना। हाँ, ना दिखे तो बता दो। फिजिक्स हम पढ़ते हैं, फिजिक्स वाला है। अच्छा, फिजिक्स वाला अलग पढ़ दे जी, अलग पढ़ दे। यहाँ देखिए देखिए, ये सब दिख रहा है सब कुछ। चलिए देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं वो जीरो होता है। लेकिन जीरो होने के लिए कंडीशन दिया है, वो जीरो तभी होगा जब थीटा और पाई का जो डिफरेंस है ना वो क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए। इन दोनों का गुना करिए, गुना करने पे वो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन जीरो मैट्रिक्स तभी मिलेगा जब दोनों थीटा और पाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए, तब होगा। ऑड मल्टीपल का मतलब हम बोलेंगे टू एम प्लस वन का फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए हम इसको करके दिखाते हैं। अब पुटर करिए, लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं एक मैट्रिक्स को, ये मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसको बोल देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इसको बोल देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स एक को मान लीजिए बी, अब बी को मान लेते हैं कॉस स्क्वायर फाइव और फिर बोल देते हैं कॉस फाइव इन टू साइन फाइव। ठीक है, और फिर इसको बोल दीजिए कॉस फाइव इन टू साइन फाइव। ठीक है, और इसको बोल दीजिए साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब क्या करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट करने के बाद इसका प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट करने पे आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन जीरो तब मिलेगा जब क्या होना चाहिए, थीटा और फाइव का डिफरेंस होना चाहिए कितना, पाई बाई सॉरी हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए। तो आइए दोनों को गुना करते हैं, गुना करते हैं। एक काम क्या करते हैं, हटा देते हैं क्वेश्चन को, हटा देते हैं, ऊपर से हम सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन ही को हटा देते हैं, बिगड़ नहीं ना हो रहा है एक बार। ठीक, अब देखिए दोनों को गुना करते हैं, ये कॉस स्क्वायर था तो ए इंटू बी करी, दिख रहा है यहाँ तक ए इंटू बी दिख रहा है, नहीं थोड़ा नीचे लिखे हैं वही पूछ रहे थे। अब दिख रहा है, देखिए अब गुना लिखिए इसका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन, फिर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और बी के बारे में लिखिए तो बी हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर फाइव और फिर हो जाएगा कॉस फाइव इंटू साइन फाइव और फिर ये हो जाएगा कॉस फाइव इंटू साइन फाइव और ये साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब इन दोनों में गुना कर देते हैं, देखिए गुना करते हैं तो ए इंटू बी आ जाएगा, देखिए गुना करिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, तो इसको गुना कर देते हैं। पहला का आर लीजिए, दूसरा का सी वन लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है जी, और ठीक बहुत बढ़िया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव आ गया। ठीक है, अब इसमें गुना करिए तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस में कॉस फाइव इंटू इंटू में ना होगा, ओके ओके कॉस फाइव इंटू साइन। चलिए देखते हैं कैसा बन जाएगा, हो गया, अब इसका गुना हो गया
और क्या करते हैं इसका गुना फिर इसके साथ करते हैं, तो बताइए इसका गुना होगा, यहाँ देखिए इसका गुना होगा तो कितना आ जाएगा, इसका होगा कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। अब प्लस में इसको गुना होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, हाँ साइन स्क्वायर थीटा थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन इंटू साइन फाई हो जाएगा। ओके ठीक है, अब फिर पहला का गुना करिए इसके दूसरा कॉलम के साथ, तो फिर देखिए इधर दिखते ज्यादा ना भाई, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का गुना इसके साथ करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। अब प्लस यहाँ देखिए कॉस थीटा साइन थीटा का गुना करिए और इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई और इंटू में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ तक दिख रहा है नहीं, अब ठीक है ना, हाँ अब ठीक है। अब फिर देखिए फिर इसका गुना कर देते हैं आर टू का गुना फिर करते हैं सी टू के साथ, तो देखिए ये गुना होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस फाइव साइन फाइव, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन कॉस फाइव साइन फाइव प्लस हो जाता है ठीक है, अब ठीक है ना। चलिए ये हो गया, अब यहाँ से देखिए ठीक है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, अब इसका गुना होगा तो साइन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हाँ तो साइन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर थीटा थीटा ठीक है, और ये बन गया अपना। आप देखते हैं यहाँ से क्या होने वाला है, तो कुछ ही अभी इसको कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला में कुछ तो देखना होगा सही हो रहा है कि नहीं, अब ज़्यादा सोचना पड़ेगा क्योंकि हमको दिखाना था, ये देखें ये बोला था कि थीटा और थीटा माइनस फाइव करिएगा ना तो इसका जो डिफरेंस आना चाहिए थीटा माइनस फाइव ये क्या आना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू ऐसा आना चाहिए। तो पहली बात है कि थीटा माइनस फाइव का तो कुछ फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, तो थीटा माइनस फाइव का फॉर्म में लाने के लिए आप देखिए कुछ आइडिया यहाँ से दिख रहा है कुछ, तो देखते हैं कॉमन लेना होगा तो ले लेंगे, देखिए यहाँ से हम एक कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं और एक साइन एक कॉस फाइव, तो हम क्या करिए यहाँ से आप कॉस थीटा लीजिएगा तो यहाँ से एक कॉस थीटा निकल जाएगा और यहाँ से फिर कॉस फाइव निकल जाएगा तो साइन थीटा इंटू साइन फाइव और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ए बी देखिए आराम से आप कॉमन लेते समय आप ध्यान से देखिए और हमको भी मदद करिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ से हम कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव कॉमन निकालते हैं ठीक है, अब ध्यान से देखिए हम क्या क्या बचेगा, जब क्योंकि इसमें कॉस थीटा दो बार है कॉस फाइव भी दो बार है नहीं तो एक एक बार निकाल लेंगे तो एक एक बार यहाँ पे बचेगा, तो इसको बोल देते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ एक बार कॉस थीटा था तो एक बार तो निकल गया है, एक बार कॉस फाइव था तो एक बार कॉस फाइव निकल गया, अब यहाँ पे बचा हुआ साइन थीटा और साइन फाइव साइन फाइव, तो साइन थीटा इंटू साइन फाइव, क्या आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं, नहीं आ जाइए दूसरे में कॉमन लेते हैं, दूसरे में जरा सावधानी से आप बताइए क्या कॉमन हो सकता है, cos 5 यहां cos स्क्वायर 5 cos 5 दो बार है नहीं और यहां पे sin 5, एक चीज दिख रहा है कि sin थीटा इसमें भी है sin थीटा इसमें भी है दिखा, और कुछ दिख रहा है दोनों में, हाँ एक cos 5 इसमें भी दिख रहा है और cos 5 इसमें भी दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है नहीं, और कुछ नहीं दिख रहा, तो जो जो दिख रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कॉमन साइन थीटा इंटू कॉस फाइव ठीक है, अब देखिए साइन थीटा यहाँ से निकाले तो कॉस थीटा बचा हुआ है, कॉस फाइव निकाले तो ये भी दरअसल कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव बचा हुआ जी, क्या ये आपको लग रहा है ऐसा जी, क्योंकि एक कॉस फाइव यहाँ से ये बचा ठीक है और एक साइन थीटा ने निकाल ही दिया है तो एक कॉस थीटा ये बचा हुआ ठीक है, ध्यान से देखिएगा बस प्लस, अब फिर देखिए यहाँ दो बार साइन थीटा था तो एक बार साइन थीटा निकाल दिए हैं, तो एक बार साइन थीटा यहाँ बचा हुआ है तो एक बार साइन थीटा यहाँ बचा हुआ है, अब देखिए चूंकि कॉस फाइव एक ही बार था तो कॉस फाइव एक बार निकाल दिया तो बस साइन फाइव बचा हुआ, बहुत बढ़िया साइन फाइव ठीक है।
आ जाइए, अब इसमें कॉमन लग गया। हाँ इसमें बताइए तो क्या क्या कॉमन है, आप आराम से ढूंढ लेते। देखिए कॉस थीटा दो बार है यहाँ पे और इसमें एक बार कॉस थीटा है। हाँ और हाँ साइन फाइव यहाँ भी है, साइन फाइव यहाँ भी है। हाँ इसमें कॉस थीटा इंटू साइन फाइव कॉमन हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया ले लेते। कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, साइन फाइव ठीक है। अब ये लीजिएगा तो कॉस थीटा एक बार निकाले तो एक बार बचा हुआ है जी, और साइन फाइव एक बार निकाले तो कॉस फाइव है, तो ये भी बचा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस ठीक है साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ साइन थीटा इंटू साइन फाइव, साइन फाइव बहुत ठीक है। अब याद देखिए, अब इसमें बताइए इसमें भाई साहब कॉमन देखिए, तो एक कॉस थीटा यहाँ दिख रहा है, कॉस इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसमें कॉस नहीं दिख रहा, साइन थीटा साइन फाइव, हाँ साइन थीटा साइन फाइव इसमें भी दिख रहा है, तो साइन थीटा साइन फाइव ले लीजिए कॉमन, साइन थीटा इंटू साइन फाइव। तो आप बताइए साइन थीटा साइन फाइव निकल गया तो कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव बचा हुआ प्लस यहाँ से, चूंकि साइन थीटा भी दो बार था कॉस साइन फाइव भी दो बार था, तो एक एक बार निकाले तो एक एक बार बचा हुआ, तो ये भी साइन थीटा इंटू साइन फाइव। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ आ गया जी? ठीक है, आप नीचे एक बार देखिएगा कि क्या है, आपको ये दिख रहा है, देखिए तो नीचे दिख रहा है, लिख रहा है ना, देख रहे हैं ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ आप एक चीज समझिएगा, यहाँ देखिए कॉस ए इंटू कॉस भी दिख रहा है, आप प्लस साइन इंटू साइन लिखते, ये फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी, हाँ कॉस ए माइनस बी, तो ए के जगह पे क्या है थीटा और बी के जगह पे फाइव, तो कॉस थीटा माइनस फाइव बन गया है। सभी जगह पे देखिए ये सब जगह पे सेम दिख रहा है जी, ब्रैकेट में सब जगह पे वही है, तो सब जगह ब्रैकेट में क्या बन गया कॉस थीटा माइनस फाइव, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव ठीक है जी, और ये दिया है कॉस थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, और ये भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव। अच्छा ये भी कॉस ही में बन रहा है जी, सब है ठीक है, कॉस में ही बन जाएगा ठीक है, कॉस थीटा माइनस फाइव ओके कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा माइनस फाइव, और यहाँ से देखिए ये भी बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, साइन फाइव बहुत बढ़िया, साइन फाइव और इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव फाइव, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव, साइन फाइव कॉस थीटा माइनस, और कॉस इंटू में कॉस थीटा माइनस फाइव फाइव करेगा ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, आप क्वेश्चन वाला क्या बोला था, आप क्वेश्चन जरा देखिएगा तो आपको समझ आएगा, क्वेश्चन बोला था कि इन दोनों का जब प्रोडक्ट कर लीजिएगा ना, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करिएगा तो प्रोडक्ट आपका क्या मिलता है, जीरो मैट्रिक्स मिलता है, क्या मिलता है आपको जीरो मैट्रिक्स, लेकिन वो जीरो कब होगा कि वेन थीटा माइनस फाइव जो होता है ना, थीटा माइनस फाइव का जो डिफर है, डिफर मतलब होता है डिफरेंस ठीक है, डिफर मतलब अंतर दोनों का बोलता है, तो थीटा माइनस फाइव का जो डिफरेंस है उसका वो क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए। आप मेरे को बताइए कि कॉस पाई बाई टू का कितना वैल्यू होता है, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू जीरो, कितना होता है, क्या पाई बाई टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, क्योंकि पाई बाई टू में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो वन गुना है ना, तो वन भी ऑड नंबर है। अब आप मैं आपसे ये पूछूंगा तो आप थोड़ा सोच के बताइएगा, देखिए ये मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये बताइए कि कॉस थ्री पाई बाई टू का वैल्यू कितना है, अरे भाई साहब जीरो बोलिए, जिसको नहीं समझ में आता ऐसे सोचिए आप कि कॉस अब 180 cos पाई माइनस पाई बाई थ्री लिखा हुआ, सॉरी पाई प्लस पाई प्लस पाई बाई टू लिखा हुआ ये, नहीं अब कॉस पाई प्लस पाई बाई टू करते तो कहाँ पे जाते हैं, थर्ड में, थर्ड में, लेकिन पाई के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा जी, पता है ना, नो चेंज चेंज पढ़ाए थे हम जी, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बाई टू, लेकिन हाँ माइनस होगा क्योंकि कॉस थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, तो फिर कॉस पाई बाई टू का भी वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, तो जीरो इंटू माइनस क्या हो जाएगा जीरो, मैं आपसे पूछूंगा कॉस फाइव पाई बाई टू का वैल्यू तो भी क्या होता है जीरो, मतलब सीधा सीधा हम आपसे ये बोलवाना चाह रहे हैं कि आप ये जो है ना ये कॉस टू एन प्लस वन आई टू पाई बाई टू कभी एंगल में आपको जीवन में कभी दिख जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है जीरो होता है
मतलब इसका वैल्यू क्या होता है जीरो। क्यों? क्योंकि ये 2n+1 क्या है ऑड है, और ऑड के साथ कभी भी पाई बाई टू रहे कॉस के एंगल में तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है जीरो होता है। अब बात बन गई हमारी, यहाँ देखिए बात कहाँ पे बन गई, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सर कॉस के एंगल में क्या है थीटा माइनस पाई बाई टू, और हम आपको बोल ही रहे हैं, और हम क्या क्वेश्चन ही आपसे ये बोल रहे हैं कि भाई साहब थीटा माइनस पाई का जो डिफर है ना, डिफर मतलब बात बात बोल रहे हैं डिफरेंस, कि थीटा माइनस पाई का जो डिफरेंस है वो क्या देना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2n+1 × π/2 होना चाहिए, ठीक है। और आप ही सोचिए कि अगर हम थीटा माइनस पाई के जगह पे थीटा माइनस पाई के जगह पे अगर हम ऐसा डाल दें तभी तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये लिख देते हैं, अब सुनिए ना थोड़ा सा और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है यहाँ देखिए। और क्वेश्चन को ऐसा बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि इन दोनों मैट्रिक्स का गुना करने पे आपको जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है जीरो मैट्रिक्स बोल रहा है। तो आप ही जरा सोचिए कि आप ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कब बन जाएगा, ये जो मैट्रिक्स हम लिखे ये जीरो मैट्रिक्स कब बन जाएगा, जब ये सब क्या होना चाहिए एलिमेंट्स इसका सब जीरो होना चाहिए, तो सब जीरो मतलब क्या थीटा माइनस पाई बाई टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, ये थीटा माइनस पाई बाई टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे हमेशा क्या हो जाएगा जीरो। क्या आप बात समझे जी? हाँ, क्योंकि जैसे ही आप ये मतलब वैल्यू लिखिएगा, जैसे आप लिखिएगा थीटा, ये अब थीटा माइनस पाई बराबर 2n+1 × π/2 इसके मल्टीपल का कोई भी एंगल लीजिएगा ना, कोई भी एंगल, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। यही क्वेश्चन बोल रहा, क्या आप बात समझ गए? नहीं समझे तो हम एक बार और समझाएंगे। हाँ, क्यों लिख दिए ऐसा, क्योंकि इसका वैल्यू देखिए थीटा माइनस पाई इसका डिफर जो है ना ये पाई बाई टू आता है, ब्लर नहीं हुआ? ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर लिख दो, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं पढ़कर। लेकिन इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 15 था वो, लेकिन हम थोड़ा रुक जाए बताते हैं। आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पहले क्वेश्चन आप लिखे होंगे या नहीं लिखे तो आप बुक से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखने के बाद तब सोल्यूशन लिखिएगा, सोल्यूशन में मानिएगा ए मैट्रिक्स इसको मानिएगा, बी मैट्रिक्स इसको मानिएगा, तब ए बी से यहाँ से लिखिए, ठीक है। पैकेट में मिला कर देते इसको, किताब लीजिए। ये दिया हुआ है x1 और ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 −2 0 −3 का, x3 0, ठीक है। ये और इसका वैल्यू दिया हुआ नल मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए चलिए यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि ये कंडीशन दिया है कि फाइंड एक्स इफ, ये मैट्रिक्स दिया है 1×2 का, कह रहे एक्स 1, और ये मैट्रिक्स 2×2 का दिया हुआ, फिर 1×2 × 1 का दिया हुआ है, ठीक है। और ये सबका वैल्यू बोल रहा है कि नॉन मैट्रिक्स के बराबर है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बना लेते हैं, ये देखिए x 1 हो जाएगा और इसका गुना कर देते हैं 1 0 −2 −3 के साथ, और ये गुना कर देते हैं आपका x 3, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स हम जस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। पहले LHS इसका सॉल्व करते हैं, चलिए इसको भी नल मैट्रिक्स लिख लेते हैं, लेकिन लिखने के बाद अभी वो ही रहने दीजिए, क्योंकि बाद में हम ऑर्डर देख लेंगे, जितना ऑर्डर का होगा उतना ही ऑर्डर का लिखेंगे। अब आइए इन दोनों को पहले गुना कर देते हैं, यहाँ देखिए 2×2 का है
और इसका ऑर्डर 2×1 है तो इसका पहला का कॉलम दूसरे के 2 के बराबर है जी। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है। तो देखिए x 1 हो गया, अब इन दोनों का गुणा करिए तो कितना आ रहा है, इसका गुणा इसके साथ होगा हां +0, ये x प्लस 0 0 ठीक है। और फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस में 9 नहीं जी, बस हो गया यही बनेगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं नहीं। और ये नल मैट्रिक्स ठीक है। अब इन दोनों का गुना करिए, तो इन दोनों का गुना भी कर लेते हम लोग, ये क्या कितना हो गया x माइनस 2x माइनस 9 माइनस 2x माइनस 9 ठीक है। और इसका हो गया 1×2 और ये हो गया 2×1 नल मैट्रिक्स। यहाँ देखिए तो x स्क्वायर, अब इसमें गुना करिएगा इससे तो कितना हो जाएगा x इंटू x x स्क्वायर ठीक है, x इंटू x। अब यहाँ देखिए प्लस में हो जाएगा जी, प्लस में 1 से गुना हो जाएगा, चलिए लिख देता हूँ माइनस का 2x माइनस में 9 और इसका वैल्यू क्या है नल मैट्रिक्स का है वही है ठीक है। अब यहाँ देखिए ये लेकिन मैट्रिक्स में आ रहा है, ये बात समझ रहे जी, क्योंकि ये भी नल, ये 1×1 मैट्रिक्स कितना का बनेगा 1×1 का, एक ही एलिमेंट्स होगा इसमें। अब देखिए अब हो गया है आपका क्वेश्चन, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 9 हो गया जी, और ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स बना देते हैं ठीक है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा इक्वल, तो चूंकि इसमें एक ही एलिमेंट्स है तो यही बराबर होगा किसके, 0 के बराबर होगा। तब ये बोलना चाहते हैं यहाँ से कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9 कितना 2x माइनस 9 ये बराबर कितना है 0 है। अब देखिए तो क्या ये फैक्टर होने वाला लग रहा है 9 और होने वाला 9 होगा, 9 का किसी का मल्टीपल नहीं होगा, नहीं हो रहा 3×3 करेंगे 3×9 तो कोई बात नहीं निकाल लेते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और √√(b)2−4ac से सॉल्व कर देते हैं कर ले जी अपॉन में 2a ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। अब भैया a का वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा बताइए, आप जो पूछूंगा बताइए एक्स इक्वल टू माइनस आप बी बोलिए तो माइनस टू प्लस माइनस √√(b)2 माइनस तो माइनस टू का स्क्वायर और माइनस 4 ए बोले तो 1 और सी बोले तो माइनस नौ बाय 2×1 तो यहाँ पर हो गया एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस और ये √√4 हो जाएगा और 9 36 प्लस 36 और बच्चे 36 हो जाएगा हाँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये 40 हो गया। 40 को हम क्या लिख सकते हैं 40 को लिख सकते हैं 20 दूना कितना ठीक है हाँ 40 को लिख सकते हैं 2√10 बस सही 8×5=40 बोल देते हैं 8×5=40 बोलेंगे तो आज नहीं ठीक है वही बात है 4×10 कर लेते हैं ठीक है। तो इसको बोल सर बोल देते 4×10 बोल देते अपॉन में 2×2 हो जाएगा तो बस आ गया यहाँ से देखिए तो क्या आया आंसर यहाँ दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा है अच्छा नहीं दिख देते बस थोड़ा ही सा लिखना है यहाँ अब आ जाएगा देखिए इस दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा 2+2√2 आ जाएगा प्लस माइनस अपॉन 2 और 2 कॉमन लीजिए तो x इक्वल टू और 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस √10 बाय 2 2 से 2 कट जाएगा तो x का जो वैल्यू आएगा ना 1 प्लस माइनस √10 क्या आंसर क्या दिया यही है यही है बॉस बताइए क्या दिक्कत है इसमें सॉल्व करना है ना कुछ नहीं बस इसको हम आराम से ओ ही ओ लिखते आ रहे थे देखिए बार बार ये 0-0 हो जाता है बार बार ये 0-0 बोला जाता है लेकिन 0 मत समझिए क्योंकि मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के बराबर होता है कभी मैट्रिक्स एलिमेंट के बराबर नहीं हो जाता है तो इसको मैट्रिक्स हाँ भले ये 1×1 का हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वल दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो उसके एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो एलिमेंट्स को इक्वल करके तब देखेंगे फैक्टर नहीं होने वाला तो कोई बात नहीं ये वाला फॉर्म सीधी दादा चाटे फार्मूला हमारे पास है इसे सॉल्व कर सीधी दादा चाटे क्या है
माइनस प्लस माइनस में फिर माइनस नौ बराबर जीरो आ गई तो मैं सॉल्व कर लूँ ये हमारा होती ना पूरा प्लस तेईस चैनल में आप मैंने देख दूर दूर ना कोई बात नहीं। अब इस बात को आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे, इसे हम प्लस लिख दिए, आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते, यही बात लिख देते हैं, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है हम समझाने के लिए लिखे। और बोलिए अब पूछना है तो एक, अब क्योंकि सवा दस हो गया है तो एक क्वेश्चन नहीं पूछना तो पूछिए, आज नहीं पढ़ा पाएंगे हमारे अठारह अठारह नहीं बनाएंगे, मारेंगे भाई अठारह नहीं।